pa che sa ta ta cha che pa cha tin do e. नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल राणा एक बार फिर से एपिसोड 2 के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। एपिसोड 1 फाइटिंग कोरोना फ्लूट सीरीज में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसमें बांसुरी में फूंक मारनी है और एक सिंपल सी एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो मेरे जिनको भी मैं सिखाया हूँ यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को, अधिकतर को ये प्रॉब्लम आती है कि सर ऐसे तो फ्लूट फूंक बच जाती है, लेकिन जैसे ही हम उंगली रखते हैं फ्लूट नहीं बजता। तो इसके लिए ध्यान दें कि जब आप पूरी उंगलियां जब आप इनको बंद करते हो उसको, तो वो अच्छी तरह से बंद होना चाहिए। हल्का भी अगर कोई भी होल खुला रह गया है तो उसमें आपको आवाज़ उतना क्लियर नहीं आएगा और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो ट्राई दिस, पूरा उंगली बंद करके। अच्छा, दूसरा वन मोर थिंग, ये नीचे का जो 3 फिंगर्स है इसको दो तरीके से आप पकड़ सकते हैं। या तो आप अपने फ्रंट ये पोर्शन से इस तरह से बंद कीजिएगा, और कोई कोई ऐसे बंद करते हैं, मैं इस तरह से बंद करता हूं। अगर आप ऐसे बंद करते हैं तो बाद में जब आपको हाफ नोट लेना पड़ेगा तो आपको जो है कोमल इस तरह से उठाना पड़ेगा, जिसमें कि मुझे आसानी होता है। और कोई ऐसे उठाते हैं, अगर आप फ्रंट पोर्शन से पकड़ते हैं तो आपको हाफ नोट के लिए ऐसे उठाना पड़ेगा, मुझे इसमें मुश्किल होती है, इसीलिए मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आप कोई सा भी वो रख सकते हैं, अदरवाइज दिस इज मोर कन्वीनियंट और इससे आपको सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है पूरी बांसुरी को पकड़ने में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, तो अभी आपने ये सुना होगा कि जो बेसिक सुर है वो 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नी। ठीक है, बांसुरी में इन्हें दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो वही जो हम 1 2 3 4 कर रहे थे, यू कैन प्ले इट लाइक सा रे ग म प ध नी अगेन सा। अगेन सा का मतलब है आप दूसरे सप्तक में चले जाते हो, हायर ऑक्टेव। ठीक है, तो वो इस तरह से होगा। सेकेंड ऑक्टेव, अच्छा, लेकिन यहां से अगर हम सा शुरू करते हैं तो आप को अगर पिछले सप्तक में जाना पड़ेगा, मतलब इससे लो फ्रिक्वेंसी वाला पीछे जाना पड़ेगा, तो आपको मुश्किल आएगी क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हम फ्लूट में क्या करते हैं, यहां से सा को मानते हैं, क्योंकि उस यहां पे सा लेने से हमको क्या है, 3 नोड हमको पिछले सप्तक के मिल जाते हैं, नी ध प। अगर मैं यहां से सा शुरू करता हूं तो सा रे ग म के लिए आधा खोलना पड़ेगा, प ध नी अगेन सा, फिर आप और आगे जा सकते हो। लेकिन अगर आपने सा से शुरू किया और आप पीछे जाना चाहते हो पिछले वाले ऑक्टेव के नी ध प में, तो आप इसमें जा सकते हो। जैसे यह है सा नी ध प, अभी ऑक्टेव अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो मेरा ऑक्टेव है लेकिन क्या है कि मैं और पीछे जाना चाहता हूं तो मैं पीछे जा सकता हूं। ओके, ऐसा हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि किसी भी सॉन्ग में आगे आप जब हिंदी सॉन्ग्स प्ले करोगे या कोई ट्यून प्ले करोगे तो उसमें कुछ पिछले वाले सप्तक के सुर लगते हैं और कुछ आगे वाले, एक नॉर्मल सारे गम से अलावा आपको पिछले सप्तक और आगे सप्तक। क्योंकि आपने अगर कैशियो या सिंथेसाइजर देखा होगा या हारमोनियम देखा होगा तो उसमें क्लियर कट आप यू कैन मेक आउट कि उसमें 3 4 सप्तक इस तरह से रहते हैं, और आप जब बजाते हो एक सप्तक से कभी आप पीछे जाते हो कभी आप आगे जाते हो। ऐसे ही हिंदी सॉन्ग में भी कभी आपको सॉन्ग उठाना पड़ता है, कभी उसको बिल्कुल लो उसमें गाना पड़ता है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ से सा लेंगे। अब यहाँ से सा लेंगे तो उसकी प्रैक्टिस आप इस ट्यूटोरियल में आपने यही प्रैक्टिस करनी है।
के लिए आधा खो दिएगा, सारे गम प के लिए पूरा दबाइएगा और इसको उठाना है। लेकिन जैसे ध पे आएंगे तो इसको वापस, ओके। अगले एपिसोड में मैं आपको जो ये सात स्वर हैं इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से रिटर्न में एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सेफ रहें, फाइट कोरोना, स्टे होम एंड लर्न फ्लूट। थैंक यू सो मच। प्लीज डू सब्सक्राइब और लाइक और शेयर इफ यू विश टू डू सो। थैंक यू।